हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल। आई एम योर साइंस टीचर मोनिका मैम। टुडे वी स्टार्ट अवर साइंस 10th चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, दोनों में डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, रिफ्लेक्शन पार्ट एंड रिफ्रैक्शन पार्ट। सो वी स्टार्ट विथ व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ अ साइट इन अवर आईज। क्या है लाइट? क्या है तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिससे हमारी आंखों में साइट यानी देखना, देखने की सेंसिबिलिटी प्रोड्यूस होती है। तो हमारी आंखों में देखने की सेंसिबिलिटी प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। लेकिन लाइट है क्या? तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, ये इतने भारी भारी वर्ड्स क्या लिख के रखे हो? तो आप लोगों को याद रखना है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन इन सेंस आप कह सकते हो कि रे, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो करंट, रेजिस्टर हमने आगे देखा ना चैप्टर में, तो वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो दोनों फील्ड को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उससे हम कहते हैं लाइट। और लाइट की वजह से हमारी आंखों में साइट यानी कि देखने की सेंसिबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो यानी कि लाइट होता है तो हम देख सकते हैं। अब जैसे कि ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो में मैंने क्या किया, लाइट की है, तो आप लोगों को ये जो लिखा हुआ है वो स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो, अब व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द सम ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस अवर आईज एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ऐसा है, ये पॉइंट आपको ये समझाना चाह रहा है कि आपको चीजें, ऑब्जेक्ट दिखती कैसे है, ठीक है। तो जब लाइट के वजह से नहीं, उसमें कुछ और भी है, क्या होता है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जब लाइट कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, जैसे कि ये मेरी ये पेन ले लो, ठीक है। अब मुझे ये पेन कैसे दिख रही है? तो पहले तो लाइट आएगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। आप लोगों को ये पेन कैसे दिख रही है? स्टॉप हो जा। चलो, ये पेन है, ठीक है। ये पेन आप लोगों को दिख कैसे रही है? तो लाइट पहले तो इस पेन के ऊपर आएगी। देखो, आपको लाइट फील हो रही है यहाँ पे? हाँ। तो लाइट पहले तो क्या होगी? इस पेन के ऊपर आएगी। इस पेन पे से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आईस में जा रही है, ठीक है। और आपकी आईस में जाने के बाद में ही आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट में होगा कि सबसे पहले लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, फिर वो ऑब्जेक्ट पे से लाइट हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके हमें कोई चीज दिखती है, ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। नेक्स्ट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। अभी आपने ऊपर ने क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आप दूसरा उसको दूसरे सेंटेंस में क्या कह सकते हो? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है जो कि वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। किसके फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। फिर वेव्स ऑफ अ लाइट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सुन लो, क्या है, वापिस से नाम आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वेव के फॉर्म में वो क्या हो रहा है? ट्रैवल कर रहा है। लेकिन कौन से वेव्स? उस वेव को क्या कहेंगे? तो उस वेव को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये वेव ऐसे है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट यानी कि एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि ट्रैवल करती है वेव्स के फॉर्म में। कौन से वेव उसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके फॉर्म में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसे कोई भी मीडियम की जरूर नहीं होती है फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन यानी कि स्प्रेड होना, फैलना। तो फैलने के लिए, प्रोपोगेशन होने के लिए उसे कोई भी एनी मीडियम, कोई भी मीडियम की जरूर नहीं पड़ती है। ठीक है, मीडियम यानी आप कह लो एयर मीडियम, वाटर मीडियम, ग्लास मीडियम, तो उसे कोई भी मीडियम की जरूर नहीं है। किसको? लाइट को स्प्रेड होने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट। स्पीड ऑफ अ लाइट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम। ये वैल्यू आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। अभी पढ़ रहे हो तो अभी, आगे जाके अगर आप साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो वहां पे भी ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी ही है। स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, उसके बाद में है वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट्स रेंज फ्रॉम 4×10⁻⁷ मीटर
टू, 8 × 10⁻¹⁷ मीटर। अब आप जो चीजों को देख सकते हो ना, तो उसे भी देखने के लिए क्या है, एक लिमिट है। लिमिट यानी कि वेवलेंथ है, वेवलेंथ की रेंज है, कहां से कहां। 4 × 10⁻¹⁰ क्या पढ़ना है, 10 की जो पावर है उसे बोलेंगे रेस टू। 4 × 10⁻¹⁷ मीटर टू 8 × 10⁻¹⁷ मीटर, ये इतने से लेके इतने तक की रेंज की, अगर इतने रेंज में अगर कोई चीज होगी तो हम उसे देख पाएंगे, अदरवाइज वो चीज को हम नहीं देख सकते क्योंकि वो हमारी विजिबिलिटी की रेंज के बाहर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 4 × 10⁻¹⁷ मीटर को आप और क्या कह सकते हो, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग, क्या कहना है, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे 8 × 10⁻¹⁷ मीटर को क्या कहेंगे, 8000 एंगस्ट्रॉन्ग। ये क्यों मैंने ऐसा लिखा है, क्योंकि काफी टाइम फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, उसकी रेंजेस क्या है। तो ऑप्शन में आपको या तो मीटर वाले ऑप्शन दे सकते हैं या तो फिर एमस्ट्रॉन्ग वाले ऑप्शन दे सकते हैं। तो अगर एमस्ट्रॉन्ग वाला हो तो आपको याद रखना है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 8000 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और अगर मीटर में हो तो 4 × 10⁻¹⁷ मीटर से लेके 8 × 10⁻¹⁷ मीटर। ठीक है, अब ये एमस्ट्रॉन्ग क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है 4000 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ये जो 4000 एमस्ट्रॉन्ग है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। चलो, तो 4000 हम एज इट इज लिख देंगे। एक एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 10⁻¹⁰, क्या होती है, 10⁻¹⁰ एक एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू है। अब 4000 है तो 4000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻³। ये जो 1000 है उसमें 1, 2, 3, 3 0 है, तो मैं लिख सकती हूँ 4000 को 4 × 10⁻³। और यहाँ पे क्या है, 10⁻¹⁰। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों का बेस कैसा है, सेम है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो ऊपर जो पावर है उनका क्या होगा, प्लस होगा। तो हम लिखेंगे 4 × 10⁻³ प्लस, और ये क्या ऐसा है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 7। 4 × 10⁻¹⁷ अगेन प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गए तो 7, बट निशानी बड़े वाले की, तो मुझे मिल जाएगा 4 × 10⁻¹⁷ मीटर। इसलिए हम मीटर में आंसर लिखना हो रेंज तो 4 × 10⁻¹⁷ मीटर लिखते हैं या तो फिर 4000 एमस्ट्रॉन्ग लिखते हैं। उसी तरह से 8000 में देख ले, 8000 एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 10 × 10⁻¹⁰। ठीक है, 8000 की जगह पे लिखेंगे 8 × 10⁻³, और ये है 10⁻¹⁰। इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, 8 × 10⁻¹⁷ मीटर। तो रेंज, वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट की रेंज क्या होगी, 4000 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 8000 × 10⁻⁷ मीटर। अदरवाइज 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक की होगी। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम इसे फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू इस तरह से पूछते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर का नाम क्या था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिफ्लेक्शन का। तो द फिनोमिना ऑफ लाइट रेज बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। यानी कि सिंपल चीज है, ये आपको मेरी यहाँ पे क्या दिख रही है, पेन दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे से क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक रे पास हो रहा है, वो पास होकर यहाँ पे क्या होगा, स्ट्राइक होगा, यानी कि यहाँ पे टच होगा। ये हम समझेंगे स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे रे एक मैंने इंसिडेंट किया, ये मैंने रे इंसिडेंट किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है। स्ट्राइक होकर ये क्या होगा, बाउंसिंग बैक होगा, यानी कि वापिस से वही मीडियम में पीछे जाएगा, दिख रहा है ना ऐसे। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट, ये जो प्रोसेस हुई, इंसिडेंट रे पास होना, यहाँ पे क्या होना, स्ट्राइक होना, स्ट्राइक होके बाउंसिंग बैक होना, तो ये प्रोसेस होगी, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको फिगर में देखना हो तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये क्या है, एक साइन सरफेस है। ठीक है, ये साइनिंग सरफेस है, यहाँ पे से मैंने कोई एक रे इंसिडेंट किया, यहाँ पे वो क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होके वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो
रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट इज ऑफ टू टाइप्स. अब रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के भी टू टाइप्स है, कौन से, फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो देखो रेगुलर और इरेगुलर, वैसे आपको नाम पे से पता चल जाएगा कि रेगुलर वाला होगा वो एकदम पंक्चुअल परफेक्ट होगा, और इरेगुलर वाला होगा वो कैसा होगा, पंक्चुअल नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पहले मैं आपको यहाँ पे फिगर पे से समझा दूं. रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें चाहिए स्मूथ सरफेस. ठीक है, तो ये आपको दिख रही है स्मूथ सरफेस, एकदम स्ट्रेट फ्लैट सरफेस है. अब यहाँ पे हमें 1, 2 और 3 ये रे हमने क्या किए, इंसिडेंट किए. एरो पे से आप लोगों को ख्याल आ जाएगा, एरो पे ध्यान देना है ये कैसे है, इंसिडेंट रे है. 1, 2 और ये 3 ये रे आपने क्या किए, इंसिडेंट किए, और ये वापिस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है. ये यहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे से आ रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है. लेकिन आप देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे ये लोग पैरेलली थे इंसिडेंट में, 1, 2, 3 ये पैरेलली हमने इंसिडेंट किए, तो रिफ्लेक्शन भी कैसा हो रहा है, पैरेलली रिफ्लेक्शन हो रहा है. देखो ये 1, ये 2 और ये 3 मतलब कि जैसे हमने इंसिडेंट किए वैसे ही ये लोग क्या हो रहे, रिफ्लेक्ट हो रहे पैरेलली. तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा उसे हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, और सबके बीच में देखो, अगर आप लोग देखोगे तो एंगल भी आपको सब लोग के बीच में कैसा होगा, सेम एंगल दिख रहा होगा. ठीक है, क्योंकि ये पैरेलली क्या हो रहे, जैसे हमने पैरेलली इंसिडेंट किया ये पैरेलली क्या हो रहे, रिफ्लेक्ट हो रहे. ठीक है, चलो देखते हैं. व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए शाइनिंग प्लेन, जब हम शाइनिंग प्लेन के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ द लाइट, बीम यानी बहुत सारे रेस को एक साथ में हम इंसिडेंट करें वो, तो वो होगा बीम, बहुत सारी लाइट मिलेगी उसे कहते हैं बीम. तो जब हम पैरेलल बीम ऑफ द लाइट शाइनिंग सरफेस, स्मूथ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, द बीम ऑफ अ लाइट रिमेन पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो मैंने उन लोगों को इंसिडेंट कर दिया, फिर भी रिफ्लेक्शन के बाद में भी वो लोग कैसे है, पैरेलल ही है, और वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहे हैं. तो सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो आप लोगों को डिफाइन लिखनी है, उसके साइड में ही आपको इसकी फिगर ड्रॉ करनी है, और नीचे आपको मेंशन करना है कि कौन सी फिगर है. तो फिगर ए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, रेगुलर देख लिया, तो इरेगुलर उससे क्या होगा, एकदम अपोजिट होगा. तो चलो कैसे वो देखते हैं. सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट. तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस कैसी होगी हमारे पास में, तो सरफेस भी हमारे पास में इरेगुलर ही होगी. ठीक है, रफ होगी. तो व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रफ एंड इरेगुलर सरफेस, तो देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ये मैंने पैरेलली 4 बीम ऑफ द लाइट मैंने पास किए. ठीक है, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, किसके ऊपर पास किए, रफ और इरेगुलर सरफेस के ऊपर मैंने इंसिडेंट किए, पास किए. देन क्या हो रहा है, द बीम ऑफ लाइट स्प्रेड्स ओवर ए वाइड रीजन. देखो वापिस से 1, 2, 3 और 4 ये मैंने 4 रेज पैरेलली इंसिडेंट किए, लेकिन रफ सरफेस के वजह से ये अलग अलग वेरिएशन डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, यानी रेंडमली मूव करे. देखो एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे आया, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ गया, तीसरा रिफ्लेक्शन यहाँ गया, चौथा रिफ्लेक्शन यहाँ गया, मतलब एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर, यानी कि ये लोग पैरेलली क्या हुए, रिफ्लेक्टेड हो नहीं रहे, ऊपर से रेंडमली रिफ्लेक्ट हो रहे अखे एरिया में, जहां मन पाए वहां वो लोग क्या हो रहे, रेंडमली रिफ्लेक्ट हो रहे. आपको फिगर पे से भी दिख रहा होगा, ये फिगर और ये फिगर में काफी डिफरेंस है, क्यों, ये लोग कैसे है, पैरेलली इंसिडेंट है, पैरेलली रिफ्लेक्टेड है, लेकिन ये पैरेलली इंसिडेंट तो है लेकिन पैरेलली रिफ्लेक्टेड नहीं है. ठीक है, सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट. ओके, तो इसमें भी आपको डिफाइन लिखना है, और साइड में फिगर ड्रॉ करनी है, और नीचे मेंशन करना है, और आपको दिखाना है इंसिडेंट रे कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, और सरफेस कैसी है. ठीक है, एग्जांपल इसकी जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है वो आपको कहाँ दिख सकते हैं, कहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम ए बुक, ए चेयर और ये टेबल.
क्योंकि बुक है, चेयर है, टेबल है, वो उनकी जो सरफेस है वो एकदम फ्लेट होती नहीं है, कभी ऊपर नीचे होती है, या तो स्ट्रेट तो नहीं होती, फ्लेट नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह की जो सरफेस है उसमें से अगर आप रिफ्लेक्शन करोगे तो आपको कैसा रिफ्लेक्शन मिलेगा, इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेन एकदम फ्लेट सरफेस के ऊपर करोगे तब आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज चैप्टर में क्या देखा, लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ के अच्छे से अच्छे समझना है, उसे लर्न करना है एंड देन आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।